अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आज की वीडियो का टॉपिक जो है पाक 301 का पढ़ लें हमने लेक्चर नंबर 15, जो कि ये आखिरी जो है हमारे पास लेक्चर है मिड टर्म की प्रिपरेशन का, ठीक है? यानी 1 से लेकर 15 तक आपके मिड टर्म में शामिल हैं। फर्स्ट हमारे पास सवाल है कि दी शॉर्टेज ऑफ ट्रेंड ह्यूमन पावर स्पेशली सीनियर ऑफिसर्स वाज अ सीरियस प्रॉब्लम इन दी सेटिंग अप ऑफ फेडरल गवर्नमेंट इन डैश, यानी कि कराची, ठीक है? यानी कि ट्रेंड ह्यूमन जो थे ना वो क्या हो गए थे, उनकी शॉर्टेज हो गई थी। तो यहाँ पे क्या आता है, फेडरल गवर्नमेंट इन कराची में। नेक्स्ट क्या, कि मोस्ट ऑफ देम हैड माइग्रेटेड टू डैश इंडिया, उनमें से अक्सर हिंदुस्तान हिजरत कर चुके थे, ठीक है? थ्री सवाल है कि देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ ऑफिस स्पेस इक्विपमेंट एंड डैश फर्नीचर, ये इन चीज़ों की क्या हो गई थी, शॉर्टेज हो गई थी। नेक्स्ट क्या है, दी डिस्ट्रीब्यूटेड द डायरेक्ट कनेक्शंस बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट एंड डैश प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, यानी कि उसने वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों के दरमियान बराह रास्त रवाबित को मुतासर किया, ठीक है, जो शॉर्टेज होगी इसने इसने। नेक्स्ट क्या है कि पाँच सवाल है कि टू काउंटर दी क्रिटिकल सिचुएशन द ऑफिशियल सिस्टम शुड हैव बीन एफिशिएंट बट ड्यू टू द लैक ऑफ ऑल दीज फैसिलिटीज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ वर डैश पेनफुली फेसिंग डिफ़िकल्टीज़, यानी कि नाजुक सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए सरकारी निज़ाम को मुअसर होना चाहिए था, लेकिन इन तमाम सहूलियात के फुकदान की वजह से इंतज़ामी हुकाम को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। छः सवाल है कि दी इंडियन गवर्नमेंट वाज नॉट कोऑपरेटिव फॉर ट्रांसफ़र ऑफ रिकॉर्ड एंड इक्विपमेंट टू डैश पाकिस्तान, हिंदुस्तानी हुकूमत पाकिस्तान को रिकॉर्ड और आलात की मुंतकली में तावन नहीं कर रही थी, ठीक है, हिंदुस्तानी हुकूमत। सेवन सवाल है कि दी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वाज नॉट हैंडलिंग अवर दी प्रोमिस्ड फाइनेंशियल मिलिट्री एंड अदर शेयर्स दैट क्रिएटेड माउंटेंस हर्डल्स टू इरेडिकेट द पेंस एंड मिजरीज ऑफ द डैश रिफ्यूज़, यानी कि सिविल इंतज़ामिया वादा शुदा माली फौजी और दीगर हसस के हवाले नहीं कर रही थी, जिसने पनाह गजीनों के दर्द और मसाइब को ख़त्म करने के लिए पहाड़ी रकावटें खड़ी की। एट सवाल है कि दी फुल फाइनेंशियल शेयर ऑफ डैश वाज नॉट ट्रांसफर्ड पाकिस्तान, पाकिस्तान का मुकम्मल माली हिस्सा मुंतकिल नहीं किया गया। नेक्स्ट हमारे पास नाइन सवाल है कि इनिशियली रुपीज़ डैश वर ट्रांसफर्ड दैट वर नॉट सफिशेंट टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑफ द न्यू बॉर्न शेड 200 मिलियन, जो कि ये जो है ना ये ठीक नहीं था, एक नई जो स्टेट होती है उसके लिए यानी इतना पैसा ठीक नहीं था, ठीक है, 200 मिलियन। टेन सवाल है कि दी इंडियन गवर्नमेंट वाज सो रिएक्शनरी दैट इट ट्राइड इट्स लेवल बेस्ट टू ब्लॉक दीज फंड्स टू सफोकेट द न्यूली बॉर्न मुस्लिम स्टेट एज दे एक्सपेक्टेड फुलिशली दैट पाकिस्तान वुड कोलैप्स एंड रीजॉइन इंडिया सोन आफ्टर इट्स एग्जिस्टेंस, यानी कि हिंदुस्तानी हुकूमत इस कदर रजत पसंद थी कि उसने नवाजीदा मुस्लिम रियासत का गला घोंटने के लिए इन फंड्स को रोकने की पूरी कोशिश की, क्योंकि उन्हें बेवकूफ़ी की तवक्को थी कि पाकिस्तान अपने वजूद के फौरन बाद टूट जाएगा और दोबारा हिंदुस्तान में शामिल हो जाएगा। अलेवन सवाल के, दे डिड नॉट रिलीज द रिमेनिंग फंड्स अनटिल गांधीज थ्रेट ऑफ बॉन्ड बेल्ट फास्ट अनटिल डेथ, यानी कि उन्होंने बकिया फंड इस वक्त तक जारी नहीं किए जब तक कि गांधी की मान बेल्ट की धमकी मरने तक रोज़ा रखो, ठीक है, तब तक उन्होंने फंड्स वापस नहीं किए। नेक्स्ट क्या है कि ट्वेल्थ वाला कि अंडर दिस प्रेशर मोर फंड्स वर सेंट इन अर्ली डैश बट नो इंस्टॉलमेंट वाज लेटर पेड, तो 1948 इस दबाव के तहत 1948 के अवेल में मज़ीद फंड्स भेजे गए लेकिन बाद में कोई किस्त अदा नहीं की गई। 13 सवाल है कि एज फार एज द प्रॉब्लम इन डिवाइडिंग मैन पावर देर वाज नो सीरियस सेट बैक बिकॉज द डिवीजन वाज नॉट इन द हैंड ऑफ थर्ड पर्सन एंड मुस्लिम्स वर फ्री टू कम टू देयर ड्रीम लैंड पाकिस्तान, जहाँ तक इंसानी ताकत की तकसीम का मसला है इसमें कोई शदीद दचका नहीं था क्योंकि तकसीम तीसरे शख्स के हाथ में नहीं थी और मुसलमान अपने ख्वाबों की सरजमीन पाकिस्तान में आने के लिए आज़ाद थे, ठीक है। 14 सवाल है कि एनी हाउ देयर शिफ्टिंग वाज स्लो एंड इनसिक्योर, बहरहाल उनकी शिफ्टिंग सुस्त और गैर महफूज थी।
देर वर ऑब्स्टेकल्स इन द पाकिस्तान शेयर ऑफ डैश वेपन्स इक्विपमेंट एंड स्टोर्स। पाकिस्तान के हथियारों साजो सामान और स्टोर्स में रुकावटें थीं। 16th सवाल, द ब्रोकन एंड डैमेज स्टफ वाज सेंट बाय डैश इंडिया। टूटा फूटा सामान भारत ने भेजा था। 17th सवाल है कि डैश डिड नॉट गेट एनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पाकिस्तान। पाकिस्तान को कोई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नहीं मिली, ठीक है। नेक्स्ट 18th सवाल है कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस वाज एन अदर टफ जॉब एंड देयर वाज नो आर्मी ऑफिसर अप टू द रैंक ऑफ कर्नल। यानी कि मसला अफवाज की तंजीम नो एक और मुश्किल काम था और इसमें कर्नल के अहदे तक कोई फौजी अफसर नहीं था। नेक्स्ट 19 सवाल है, द शॉर्टेज ऑफ एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स कन्विंस्ड ब्रिटिश ऑफिसर्स टू कंटिन्यू देयर डैश सर्विसेज। तजर्बाकार अफसरान की कमी ने बरतानवी अफसरान को अपनी खिदमात जारी रखने पर आमादा किया, ठीक हो गया। दिस आल्सो एक्सेलरेटेड अनड्यू प्रमोशन इन द मिलिट्री सर्विसेज टू फिल द डैश गैप। इसने खला को पूरा करने के लिए फौजी खिदमात में गैर ज़रूरी प्रमोशन को भी तेज़ किया। 21 सवाल है कि देयर वर अवर डैश स्टेट्स इन इंडिया ऑन द वर्ज ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया 560 प्रिंसली। यानी तकसीम हिंद के दहाने पर हिंदुस्तान में 560 से ज़्यादा शाही रियासतें थी, ठीक है। 560 से ज़्यादा शाही रियासतें थी। 22 सवाल है कि अबाउट डैश हैड जॉइंड इंडिया बिफोर अगस्त 15 बिकॉज ऑफ द मोटिवेशन बाई VP मेनन एंड माउंटबेटन। 500 स्टेट्स, ठीक है, 500 स्टेट ने ज्वाइन किया इंडिया को 15 अगस्त से पहले। नेक्स्ट है कि 23 सवाल है कि द प्रिंसेस वर इनक्लाइन टू ऑनर एवरी जेस्टर ऑफ द ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव सो दे कंसीडर्ड व्हाट द मेंबर ऑफ द डैश रॉयल फैमिली माउंटबेटन विश्ड। शहजादे बरतानवी नुमाइंदे के हर इशारे का एहतराम करने के लिए माहिल थे, लिहाजा उन्होंने शाही ख़ानदान के रुकन माउंटबेटन की ख्वाहिश को तस्लीम किया। 24 सवाल है कि दी हिंदू ब्रिटिश कॉन्स्पिरेसी ब्लॉक्ड स्टेट्स टू जॉइन डैश पाकिस्तान। हिंदू बरतानवी साजिश ने रियासतों को पाकिस्तान में शामिल होने से रोक दिया। 25 सवाल क्या है कि हमारे पास जूनागढ़, ठीक है, इसके बारे में आगे जो है सारे MCQs हैं। इट वाज अ स्मॉल स्टेट विद एक्सेस टू सी हैविंग अबाउट डैश 7 लाख पॉपुलेशन एंड 3377 माइल एरिया। इतना जो है इसका एरिया, ठीक है, जूनागढ़ का 7 लाख पॉपुलेशन और 3377 माइल एरिया। द रूलर वाज मुस्लिम, हुक्मरान जो है मुसलमान था और मेजोरिटी जो है पॉपुलेशन की वो क्या थी, हिंदू थी। कहाँ पे, जूनागढ़ में, ये ऊपर मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्या है कि दी रूलर डिसाइडेड टू एक्सेड टू पाकिस्तान एंड पाकिस्तान आल्सो एक्सेप्टेड द डैश एक्सेशन। यानी कि हुक्मरान ने पाकिस्तान से अलहाक का फैसला किया और पाकिस्तान ने भी अलहाक को कबूल कर लिया। 28 सवाल है कि इन डैश द इंडियन ट्रूप्स इंटर्ड द स्टेट एंड टुक इट्स कंट्रोल। नवंबर 1947 में हिंदुस्तानी फौजें रियासत में दाखिल हुईं और इसका कंट्रोल संभाल लिया। द रिफ्रेंडम फेवर्ड इंडिया, यानी कि रिफ्रेंडम ने भारत की हमायत की, ठीक हो गया। नेक्स्ट यहाँ से आगे जो स्टार्ट हो रहा है हैदराबाद के बारे में, ठीक है। इट वाज जियोग्राफिकली बिग एंड फाइनेंशियली अ डैश रिच स्टेट थी, ठीक है, हैदराबाद। इट्स रूलर वाज मुस्लिम, यानी कि हुक्मरान कौन था इसका, मुसलमान था और मेजोरिटी पॉपुलेशन क्या थी, हिंदू थे। इट वाज सराउंडेड डैश फ्राम ऑल साइड्स by India, ठीक है। इट वॉज सराउंडेड बाई इंडिया फ्राम ऑल साइड्स। द निज़ाम वॉन्टेड टू स्टे डैश इंडिपेंडेंट, निज़ाम खुद मुख्तार रहना चाहता था। माउंट बैटन डिस्करेज्ड हिम एंड साइंड स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। यानी कि माउंट बैटन ने इसकी हौसला शिकनी की और स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पर दस्तखत कर दिए। 35 सवाल है कि बट इंडिया बिल्ड प्रेशर ऑन द निज़ाम बाई सेंडिंग इट्स ट्रूप्स इन डैश claiming that serious law and order situation had developed September 1948। लेकिन हिंदुस्तान ने निज़ाम पर September 1948 में अपनी फ़ौज भेज कर ये दावा करते हुए दबाव डाला कि अमन व अमान की संगीन सूरत हाल पैदा होगी। The state was integrated in dash India, रियासत को हिंदुस्तान में जम कर दिया गया, ठीक है। कौन सी रियासत, वो फिर मैंने बताया हुआ है, हैदराबाद के बारे में बात हो रही थी। यहाँ से आगे बात किसकी हो रही है, कश्मीर की, ठीक है।
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेट वाज कश्मीर नेचुरली कनेक्टेड विद डैश पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ क्या कनेक्ट है। इसका रूलर यानी हुक्मरान क्या है, हिंदू है, लेकिन पॉपुलेशन क्या है, ज़्यादा पॉपुलेशन क्या है, मुसलमान। द पॉपुलेशन इनक्लाइन टूवर्ड्स पाकिस्तान बट द हिंदू रूलर डिक्लेयर टू डैश, तो डैश में आता है ज्वाइन इंडिया, यानी कि आबादी का झुकाव पाकिस्तान की तरफ था, लेकिन हिंदू हुक्मरान ने हिंदुस्तान में शामिल होने का ऐलान किया। 40 सवाल है कि दी कश्मीरी पीपल रिवोल्ट अगेंस्ट द रूलर इन पूंछ एरिया एंड सोन इट बिकेम डैश वाइड स्प्रेड, यानी कश्मीरी अवाम ने पूंछ के इलाके में हुक्मरान के खिलाफ बगावत की और जल्द ही ये वसी हो गई। द रूलर सॉट इंडियन सपोर्ट, हुक्मरान ने हिंदुस्तानी हमायत तलब की, ठीक हो गया। इंडिया डिमांडेड डैश एक्सेशन, भारत ने अलहाक का मुतालबा किया, बात किस किस चल रही है, कश्मीर की, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या, ऑन अक्टूबर 27, 1947 इंडियन ट्रूप्स लैंडेड इन डैश श्रीनगर, ठीक है, यानी कि 27 अक्टूबर 1947 को इंडियन ट्रूप्स ने कहाँ पर लैंडिंग की, श्रीनगर में। नेक्स्ट क्या, दी कैमनुअल रिवर्ट्स ऑकर्ड अर्लियर इन डैश अगस्त 1946, इससे कबल अगस्त 1946 में फ़िरका वाराना फसादात हुए थे। 45 सवाल है कि दी किलिंग ऑफ मुस्लिम्स इन इंडियन एरियाज फोर्स्ड देम टू डैश लीव इंडिया, हिंदुस्तानी इलाकों में मुसलमानों के कत्ल ने उन्हें हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर किया, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या है कि दी सिख्स एंड हिंदूज अटैक द रिफ्यूज करवान्स एंड ट्रेन्स, सिखों और हिंदुओं ने मुहाजरीन के काफिलों और ट्रेनों पर हमला किया, सिखों और हिंदुओं ने। नेक्स्ट क्या, देर वार ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स टू किल दी मुसलमान, उन्होंने जो है गैंग्स बनाए कि मुसलमानों को क्या कर सकें, मार सकें। नेक्स्ट क्या, दी रिफ्यूज प्रॉब्लम क्रिएटेड क्रिटिकल कंडीशन इन द डैश बॉर्डर एरियाज, बॉर्डर के एरियाज पे जो है क्रिटिकल सिचुएशन बन गई, ठीक है, हालात जो है बहुत ख़राब हो गए। 49 सवाल है, दी मैसिव माइग्रेशन प्रूव्ड सीरियस इकोनॉमिक एंड ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम्स फॉर द डैश न्यू स्टेट, बड़े पैमाने पर नकल मकानी नई रियासत के लिए संगीन माशी और इंसानी मसाइल साबित हुई। 50 सवाल है, दी मिलिट्री वाज आस्क्ड टू हेल्प कोप विद द डैश रिफ्यूज प्रॉब्लम, पनाह गजीनों के मसले से निमटने के लिए फौज से मदद तलब की गई। 51 सवाल है, दी मेजर रिवर्स फ्लो फ्राम कश्मीर एंड सम कैनाल हेड्स लोकेटेड इन डैश इंडिया, बड़े दरिया कश्मीर से बहते हैं और कुछ नहरें हिंदुस्तान में वाक़िया हैं। 52 सवाल है, इन 1948 इंडिया कट ऑफ वाटर टू सम कैनाल दैट वाज अ सीरियस थ्रेट टू एग्रीकल्चर इन वेस्ट पाकिस्तान, यानी कि 1948 में भारत ने कुछ नहरों का पानी काट दिया जो मगरबी पाकिस्तान की ज़राअत के लिए संगीन ख़तरा था। 53 सवाल है, द इंडियन प्लान्स टू बिल्ड वाटर स्टोरेज ऑन द रिवर्स दैट आर वाइटल फॉर डैश वांट्स द सिचुएशन, तो यहाँ पे आता है पाकिस्तान्स इकॉनमी, पाकिस्तान की मईशत के लिए इंतहाई अहम दरियाओं पर पानी ज़खीरा करने के भारतीय मंसूबे ने सूरत हाल मज़ीद ख़राब कर दी। इट आल्सो शोड द ट्रेडिशनल एंटी मुस्लिम एटीट्यूड, इसने रवायती मुस्लिम मुखालिफ रवैया भी जाहिर किया। द वर्ल्ड बैंक सेटल्ड द प्रॉब्लम इन डैश सितंबर 1960, इसे कहते हैं हम इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक हो गया। 56 सवाल है कि इंडिया डी वैल्यूड इट्स करेंसी इन 1949 आउट डैश रिफ्यूज टू डू सो पाकिस्तान, ठीक है, भारत ने 1949 में अपनी करेंसी की कदर में कमी की लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। 57 सवाल है कि इट स्टॉप ट्रेड दैट एडवर्सली अफेक्टेड पाकिस्तान्स इकॉनमी एज इट डिपेंडेड ऑन ट्रेड फ्राम डैश इंडिया, इसने तजारत रोक दी जिसने पाकिस्तान की मईशत को बुरी तरह मुतासर किया क्योंकि इसका निसार हिंदुस्तान से तजारत पर था। नेक्स्ट क्या कि पाकिस्तान हैड इनहेरिटेड अ वीक इकॉनमी एंड डैश पुअर इंडस्ट्रियल बेस, इनके पाकिस्तान को कमज़ोर मईशत और कमज़ोर सनती बुनियाद वर्से में मिली थी। नेक्स्ट क्या, दी बिगनिंग ईयर्स ऑफ पाकिस्तान वर ट्रबल्ड एंड डिफ़िकल्ट ड्यू टू दी इंडियंस नॉन हेल्पफुल पॉलिसी एंड दी वार इन डैश कश्मीर, इनके पाकिस्तान के इब्तदाई साल भारत की गैर मददगार पॉलिसी और कश्मीर में जंग की वजह से परेशान कौन और मुश्किल थे, ठीक है, यानी कि शुरू शुरू वाले साल जो है ना वो क्या थे, बड़े मुश्किल थे।
साठ सवाल है कि इट हैड प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान वर्ल्ड व्यू एंड इट्स रिलेशंस विद डैश इंडिया, इसका पाकिस्तान के आलमी नज़रिया और भारत के साथ ताल्लुकात पर गहरा असर पड़ा। पाकिस्तान स्ट्राइव्ड फॉर इट्स सर्वाइवल एंड डैश सिक्योरिटी, पाकिस्तान ने अपनी बका और सलामती के लिए जदोजहद की। मैनी इंडियंस एंड द ब्रिटिश प्रिडिक्टेड द कोलैप्स ऑफ डैश पाकिस्तान, बहुत से हिंदुस्तानियों और अंग्रेज़ों ने पाकिस्तान के टूटने की पेशन गोई की। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या, दे वर ऑफ द ओपिनियन दैट वर सोन द डैश वुड रियलाइज देयर ब्लंडर मुस्लिम्स, यानी कि उनका ख्याल था कि बहुत जल्द मुसलमानों को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। दे वुड बी फोर्स्ड बाई दी सरकमस्टांसिस टू गो बैक टू ज्वाइन इंडिया, वो हालात की वजह से हिंदुस्तान में शामिल होने के लिए वापस जाने पर मजबूर होंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या हमारे पास सवाल है कि 65 सवाल है, बट डैश बाई द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह वॉज एबल टू मीट दी चैलेंज इवन विद इट्स प्रॉब्लम्स, तो यहाँ पे आता है पाकिस्तान, यानी कि लेकिन अल्लाह ताला के फजलो करम से पाकिस्तान अपने मसाइल के बावजूद चैलेंज का मुकाबला करने में कामयाब रहा अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये लेक्चर नंबर 15 था, यानी कि मिड टर्म के लास्ट लेक्चर था। इसके बाद जो है फाइनल टर्म के लेक्चर भी सारे अपलोडेड हैं, वो मैंने पिछली दफ़ा जो है अपलोड कर दिए थे, तो वो भी आपने लाजमी देखने हैं। ठीक है, अभी आपका जो है पेपर होगा मिड टर्म का। उम्मीद यही है कि मेरी सब जो है आप सब के लिए दुआ है कि आप इसमें अच्छे नंबरों के साथ जो है पास हों। ठीक है, अच्छी आपने तैयारी करनी है, और कमेंट में आप बताना है कि ये सीरीज़ आपको कैसी लगी है। अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लगी है तो लाजमी वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि अच्छी लगी आपको सीरीज़ या नहीं लगी, जो भी आपका फ़ीडबैक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।